इंटरेक्शन बोलो इंटरेक्शन में तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ वक्फ बोर्ड और उसकी फंक्शनिंग को लेकर मैंने बुलाया है, क्योंकि जो है बहुत सारा मीडिया में, खासकर प्रिंट मीडिया में बहुत सारा वक्फ के खिलाफ, यानी तो वक्फ को लेके, वक्फ को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कॉलम्स है, कुछ कुछ इश्यूज को लेके भी लोग लिखे, और साथ में बहुत सारे एडिटर सुझाव देते हुए भी बहुत सारे वक्फ में कैसा हम लोग को सुधार लाना, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वहां पे लाना, क्या बड़े रिफॉर्म्स लाने से क्या फायदे हुए करके भी बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, ऑनलाइन मीडिया में भी बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखें, यहां तक भी कि कुछ लोग बोले कि वक्फ में प्रॉपर्टीज रजिस्टर मत करो करके भी बोले। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ऐसा सिचुएशन आया है कि लोगों को थोड़ा क्लियरिटी आना चाहिए, उनको क्लियर करने की जरूरत है, लोगों के दिमाग को साफ करने की जरूरत है कि ये वक्फ बोर्ड जो इस बार बना है ये पिछले बोर्डों से जो है थोड़ा एक अलग टाइप का वक्फ बोर्ड बना है। ज्यादातर नौजवान लोग इसमें हैं और सारे के सारे मरहूम यूसुफ साहब जो है, अब यूसुफ साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन यूसुफ साहब को लेते हुए पूरे 10 के 10 जो है वक्फ के लिए काम करने के लिए, वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए पूरी तरह से एक इरादा करके काम करना शुरू किया। ये बोर्ड फरवरी के महीने में बना था जिसमें मरहूम यूसुफ साहब को चेयरमैन चुना गया था। उसके बाद में 2 मीटिंग्स हम लोगों ने की थी फरवरी और मार्च में, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग को 3-3.5 महीने का हम लोग को नुकसान हुआ। उसके बाद जैसे जैसा लॉकडाउन खुलते गया और जैसे जैसा हालात थोड़ा हालांकि बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जब लोग खुल के काम वाम करना शुरू किए तो बैक टू बैक बहुत सारे मीटिंग हुए। बोर्ड के अब तक का चार मीटिंग्स बोर्ड के अब तक हुए हैं, और उसके अलावा चारों सब कमिटीज जो है, अरे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट एक कमिटी है, स्क्रीनिंग कमिटी एक है, लॉ कमिटी एक है, और लीज कमिटी, लीज एंड डेवलपमेंट कमिटी है, ये चारों कमिटी के 3-3, 4-4 सब कमिटीज के मीटिंग्स हुए हैं अब तक का, 3-3, 4-4 हुए हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन उसमें लिया गया है। बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी एक बनाई है जिसमें 3 ऑफिसर्स हैं, उनके भी अब तक का 4-5 मीटिंग हो गई, वो इंटीरियम रिपोर्ट भी जो है सबमिट किए हैं, और इंटीरियम रिपोर्ट को लेकर भी काफी बहस हुआ है। उन्होंने क्या किया, सारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो जाएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो स्टेट लेवल पे आएगा और यहां पे उसका अप्रूवल या रेटिफिकेशन बोलो वो यहां आने के बाद होगा। तो ये भी एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता था। और तीसरा जो है स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बायलॉज के नाम से भी बहुत पॉपुलर है, ये भी जो है हम लोगों ने स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तय करने का, इसको अप्रूव करने का पावर हम लोगों ने बोर्ड के सीईओ को दे रखा है। इस बीच में क्या हुआ था, हमारे पास 14 जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोजीशंस हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 होते हैं, उसमें सिर्फ हम जब से टेकअप किए थे 15 दिन पहले तक एक ही ऑफिसर था, वो सीईओ था, उसकी वजह से भी बहुत सारा काम हैम्पर हो रहा था, काम नहीं हो रहा था। अब वो हमारे पास वो पुराने सीईओ इस्ताउद्दीन साहब का ट्रांसफर हुआ, तबादला होने के बाद में 2 नए ऑफिसर्स आए हैं, सीईओ और एसीओ, उनके आने के बाद भी जो है बोर्ड में कामकाज बढ़ा है और थोड़ा काम करने का तरीका भी चेंज हुआ है और बहुत तेजी से डिसीशन भी हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को लेने का काम शुरू किया है। कल भी हमारी एक इंटरव्यू कमेटी की मीटिंग थी, हम लोगों ने लॉ ऑफिसर के लिए, चीफ लॉ ऑफिसर के लिए, लीगल ऑफिसर के लिए और स्टेनोग्राफर्स के लिए कल इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, और जल्दी जल्द जो है इन तमाम पोजीशंस में, अब इंटरव्यू होने के बाद इसके नतीजे जब आएंगे तो उसमें इन लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग ये जो लॉ कमेटी में जो भरे हैं, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं सीनियर पोजीशन पे, जो रिटायर्ड हुए हैं उन लोगों को भी
ऑब्जर्व करने का, एक दो चार दिन के अंदर बहुत सारे पोजीशन पे उन लोगों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं जो बोर्ड के बाहर से आए हैं, मसलन जो है जो स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किए हैं या नहीं तो किसी और डिपार्टमेंट में काम किए हैं क्लास वन ऑफिसर्स को हम इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को हम लोगों ने 138 पोजीशन फिलअप करने के लिए चिट्ठी लिखी है, उसमें हमें अभी तक हम लोगों को 19 ऑफिसर्स लेने का परमिशन मिला है, उसका भी हम जल्द से जल्द इंटरव्यू करके वो 19 ऑफिसर्स को के पोजीशन को भर्ती करने का हम काम करेंगे। अब पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी इक्विप करने का काम कर रहे हैं। ये डिसीजन दिया गया है कि जहां जहां हमारे किराए के ऑफिसर्स हैं वो तमाम ऑफिसर्स को या तो मौलाना आजाद बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर लें, या नहीं तो हम लोगों ने बोला है कि वफ की ही कहीं जमीन है तो उस जमीन पे जो है एक अच्छी सी ऑफिस बनाएं, हम लोगों को ऑफिस बनाने में पूरी तरह से वफ बोर्ड का सपोर्ट रहेगा, ये तय हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा काम अब क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ है और उनको गाड़ियां हायर करने का भी परमिशन दें ताकि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए के ऊपर नजर है। जिस तरह से एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स देश में और स्टेट में चलते आ रही है इससे एकदम साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिलती है मेरे ख्याल से ये भी रद्द होने वाली है, ये किसी को नहीं छोड़े। तो इसके लिए एक इदारा ऐसा है वक्फ बोर्ड जो ये हमारा इदारा है, अगर इसमें हम रेवेन्यू अच्छा से जनरेट करेंगे और किसी की हमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों को हम लोग पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को वक्फ बोर्ड फंडिंग कर सकता है, इतने हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको हम लोग को इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है, ये हम लोगों का मुसम्मम इरादा है। हम लोग किसी भी तरह जो इस 3 साल 4 साल जब तक कमेटी रहेगी 5 साल हम लोग पूरी तरह से जो है कमिटीज ये प्रॉपर्टीज को रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बस पूरे मुसलमानों से यही हम लोग गुजारिश करते हैं कि जो है आप तमाम लोग दुआ करें।